तो टेंशन में क्यों है? मैं टेंशन में नहीं तो थी, मैं बिल्कुल भी टेंशन में नहीं है। बोल ना बुलबुल, तू ऐसे क्यों? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? दादी अब देखो ना, बोलो ना दी को कैसे फोन में टाइम पास कर रही है, मेरी बात तक नहीं सुन रही है। और दादी आपने एक काम करना, आप प्लीज दी के साथ ही रहना, ठीक है? क्यों? वो एक्चुअली दादी क्या हुआ ना, मैं बस आ रही थी तो मैंने सुना कि जीजू ना दी के लिए कुछ फनी प्लान कर रहे हैं जिससे दी टॉर्चर हो जाए या परेशान हो जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप दी के साथ ही रहो। अच्छा, तभी मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, इन्हें तो मैं देख लूंगी। क्या प्लान बना है? वो मैं नहीं जानती, वो बस मैंने सुना दादी। अरे तू बुलबुल टेंशन मत, इनके प्लान ना रोज बनते बिगड़ते हैं, इन्हें तो मैं देख लूंगी, तू देख ले। तू टेंशन मत ले, तू हमेशा ऐसा बोलती है, तुझे पता है तू खुद ही जाकर दादी के पास रोने वाली है। इससे मैं कैसे समझाऊं तुझे, तू जीजू को ना हल्के में मत ले, जो तुझसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो कुछ भी प्लान कर सकते हैं, इसीलिए तो प्लीज अकेले बिल्कुल भी मत रहना, दादी के साथ रहना, ठीक है दादी? दादी आप प्लीज मुझे प्रॉमिस करो कि आप दी का ध्यान रखोगे, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। अच्छा किया जो मैंने दी को दादी के साथ लगा दिया, अब कम से कम वो अकेली तो नहीं रहेगी और मैं रिलैक्स्ड होके उस आदमी को ढूंढ सकूंगी जो दी को मारने का प्लान बना रहा था। पूरब तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। रियली सॉरी यार, मैं डराना नहीं चाहता था, बल्कि मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। अच्छा एक मिनट, तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते थे? तो मिस्टर पूरब खन्ना, अगर आपको हमें सरप्राइज देना है तो कोई नया तरीका आजमाइए। कुछ नया? क्या हुआ? अरे अभी तो तुमने कहा कि अगर सरप्राइज देना है तो कोई नया तरीका अपनाना होगा, तो मैंने ये तरीका अपनाया, तुम्हें इस गाल पे पसंद नहीं आया तो मैं यहाँ पे भी ट्राई कर। तुम ना दिन ब दिन बहुत बदमाश होते जा रहे हो। पति हो गया हूँ तो बेशरम ही होगा ना। वो क्या है ना, मेरे बड़े बुजुर्गों ने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें तुम्हारा हक मिले ना तो उसे छीन लेना चाहिए। अब तुम बताओ कि तुम मुझे मेरा हक दोगी या मैं जबरदस्ती? तुम अपनी वाइफ के साथ जबरदस्ती करोगे, मेरे साथ जबरदस्ती करोगे, लोग क्या कहेंगे पूरब? वाली जो लाइन है ना, ये बहुत ही पुरानी हो चुकी है, तुम भी कोई नया तरीका क्यों नहीं अपनाती मना करने का? मना करने का तरीका पुराना हो चुका है, क्या करूँ पूरब, तुम्हारे जितनी स्मार्ट नहीं हूँ ना मैं। दिमाग से काम ना लिया जाए ना तो दिल से काम लेना चाहिए, और अगर किसी को रोक ना पाओ ना तो सीधे सीधे सरेंडर कर देना चाहिए। और तुम क्या कह रही थी कि अगर अगली बार मैं तुमसे कुछ मांगूंगा तो तुम मना कर दोगी या मुझे बताओगी? तो बताओ क्या बताओगी? देखो पूरब, अगर कोई यहाँ पर आ गया, उन्होंने देख लिया तो देखेगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, यहाँ से चला जाएगा। और वैसे भी अब मैं तुमसे कुछ मांगूंगा नहीं, जब मुझे कुछ चाहिए होगा तो। हिम्मत कैसे हुई मुझे अडल्ट मैसेज भेजने की? क्या कर रहे हैं? मैं और अडल्ट मैसेज बोलने से पहले सोच तो लिया कीजिए। तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? प्रूफ है मेरे पास, मुझे पता था। देखो। हाँ क्या हुआ? सर उसे क्यों दिखा रहे हैं? मुझे दिखाइए ना, मुझे मालूम है मेरी दीदी ऐसा कर ही नहीं सकती है। ए! फोन तो सीधा पढ़ ले, उर्दू में थोड़ी लिखा है। नंबर तो यही है, एक मिनट मैसेज पढ़ने दीजिए। आई विल किस यू। ये गलती से हुआ है, आई विल किल यू लिख रही थी, किस यू हो गया। क्लैरिफिकेशन देने की कोनो जरूरत नहीं है, यह है ना कि रॉकस्टार हूँ, हर लड़की मुझे किस करना चाहती है, तुम्हारा मन कर लिया तो इसमें तुम्हारी कोई गलती थोड़ी ना है। क्या हुआ, ऐसे की देख रही हो कि अकेले में आ जाओगी? हैं बड़ी नौटंकी बात है, आपको पता है गलती से हुआ है, आप अभी के अभी वो मैसेज डिलीट कीजिए वरना मैं आपको। वरना क्या कर लोगी तुम? मतलब आप डिलीट नहीं करेंगे और लोगों को ये मैसेज दिखाएंगे? और क्या, शुरुआत तो मैं इस पार्टी से करूंगा, इस पार्टी के हर बंदे को मैं ये मैसेज दिखाऊं, उसके बाद मीडिया को बुलाऊंगा, ब्रेकिंग न्यूज करूंगा। अगर ये मैसेज टीवी पे गया ना तो आप कोर्ट में जाएंगे, मैं केस कर दूंगा। केस तो मैं तुम पर करूंगा कि मेरी बॉस मुझसे क्या क्या करवा रही है, उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज बनवाऊंगा, और पता है ब्रेकिंग न्यूज में क्या दिखाएंगे? कोर्ट से देखो इस लड़की को।
क्या कर रही, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? क्या सोचेंगे मतलब, ये मैसेज भेजने से पहले नहीं सोचा तुमने क्या सोचेंगे? अब भेज ही दिया है तो दे ही दो। आपको शर्म नहीं आती? यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर वो परछाई किसकी थी? मैं भी ना, बात दिमाग में ऐसी बैठ गई है कि ये भ्रम भी होने लग गया है। बहुत जल्दी में उतू साहब, मेरे बुलबुल को बचा लीजिए, वो उसे बहुत दर्द हो रहा होगा, बहुत दर्द। आप खड़े क्यों हैं? आप जल्दी जाइए ना अंदर, उसे ठीक करिए, उसे दर्द हो रहा होगा, बहुत सारा खून निकला है। अरे मशीन, मैंने बच्चे के लिए ये क्यों लेके जा रहे हैं आप इतनी बड़ी मशीन? उसका ऑपरेशन करना होगा और ये सब उसी के लिए। और आप प्लीज शांत रहिए। मैं कैसे शांत रहूं आप बताइए, मैं कैसे शांत रहूं? मेरे बच्चे अंदर तड़प रही है, कौन सी लत पता है? आप मुझे शांत रहने के लिए बोल रहे हैं? मैं शांत नहीं रह सकती, आप उसे ठीक करिए किसी तरीके से भी, बस ठीक कर दीजिए मेरी बच्ची को। मैं अंदर जाती हूँ, मैं रहूंगी ना पास में तो सब ठीक हो जाएगा। मैं अंदर जाती हूँ। सरला जी, सरला जी, संभालिए अपने आप को, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आओ इधर, आप जाओ। इलाज कर रहे हैं आप बताइए? कुछ भी नहीं कर रहे, यहाँ पे खड़े हुए अंदर जाके देख भी नहीं रहे। मेरी बच्ची को इतना दर्द हो रहा है, मुझे अंदर भी नहीं जाने दे रहे। अगर इन्होंने मेरी बेटी को नहीं बचाया ना तो मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं आंटी जी, आंटी जी, कुछ नहीं होगा बुलबुल को, हम है ना, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। उसको बहुत दर्द हो रहा है बेटा जी, आपको तो पता है ना, पिछली बार भी जब एक्सीडेंट हुआ था कितना रोई थी, पर इस बार तो कांच के टुकड़े उसके शरीर में घुस गए, कितना खून निकला। बचपन में किसी भी चोट लगती थी ना तो रोती रहती थी, खून देखकर उसे रहा नहीं जाता है, मेरे पास भाग के आ जाती थी। उसे ना मेरी जरूरत है, मैं अंदर चली जाती हूँ। आंटी जी, आप गॉड पर विश्वास करती है ना? गॉड से प्रे कीजिए, वो बुलबुल को कुछ नहीं होने देंगे। ये सब क्यों हो रहा है दादी? मेरे बुलबुल के साथ ही क्यों? उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया दादी, फिर उसके साथ ऐसा क्यों होता है दादी? मैम बिल रेडी साइन कर दीजिए।
सत्ता नंबर पेशेंट की फाइल देना। मैम साइन कीजिए। ये क्या किया आपने? आपको दिखता नहीं, आपने किसी और पेशेंट के बिल पर साइन कर दिया है। इसमें मेरी क्या गलती? आपने मुझे दिया था ये पेपर साइन करने के लिए। देखिए हम हजारों पेशेंट्स को हैंडल करते हैं, आपका सिर्फ एक ही पेशेंट है ना, क्या आप नोटिस नहीं कर सकते हो? गलती आपकी और आप मुझे चिल्ला रही हैं। आपने मुझे ये गलत बिल दिया, इतने बड़े हॉस्पिटल में इतनी बड़ी गलती कैसे हो जाती है? देखिए प्लीज आप इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू मत बनाइए। मैं छोटी बात का इशू बना रही हूँ? एक तो गलती आपकी है, आप ऊपर से मुझसे इस तरह से बात कर रही हैं। ये बिल जो मैं जानती नहीं किसका है, जिसे मैं जानती नहीं, वो आपने मुझसे साइन करवाई। बिल के लिए मैं एक पैसा नहीं भरूंगी। ऊंचाई पर तो तुम काफी हो, लेकिन तुम्हारी गिरने की कोई हद नहीं। वह तुम्हारी बहन अपनी जान के लिए लड़ रही है और यहां तुम पैसों के लिए लड़ रही हो। रिश्तेदारी तो तुमने बहुत पहले छोड़ दी, लेकिन क्या इंसानियत को भी लॉकर में लॉक कर दिया तुमने? देखिए आप गलत समझ रहे हो। हर बार तो यही जवाब होता है ना, हर इंसान गलत होता है, लेकिन तुम ही सही बोलती हो। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम ऐसा कभी कुछ कहती भी नहीं हो ना। वैसे आता क्या है तुम्हें? बस दो ही चीज, पैसे कमाना और पैसे बचाना। और आज से तुमने सारी हदें पार कर दी। तुम बुलबुल के इलाज के लिए पैसे देने से मना कर रही थी। आपको बाकी लगता है कि मैं बुलबुल के इलाज में? अपनी कानों से तुम्हें ये कहते हुए सुना। मुंह क्यों फेर रही हा? बोलो ना कि मैं गलत बोल रहा हूं। देखिए जब मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मैं कुछ ना आपको समझाना चाहती हूँ ना कुछ कहना चाहती हूँ। तुम कह भी नहीं सकती हो, और जैसे जैसे तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ रही है ना, उतनी नफरत हो रही है मुझे तुमसे। गुस्सा आता है खुद पर कि मैंने तुम जैसी औरत से प्यार किया। जाकर अपनी माँ को देखो, पूरब को देखो, देखो कि उनकी क्या हालत हुई है। उनके साथ रहो तुम, उसके बदले तुम यहाँ पर पैसों के लिए लड़ रही हो। जब आपको मेरी पूरी बात सुननी नहीं है, तो मैं आपके सवालों का जवाब क्यों दूं? क्यों कुछ समझाऊं आपको? अगर तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं होता ना, तो खींच के लगा था अभी तुम्हें। आज तुम्हारा एक नया रूप देखने को मिल रहा है मुझे। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मेरे साथ कभी ऐसा हुआ ना, तो मुझ पर अपने पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर बुलबुल कैसी है? ऑपरेशन काफी मुश्किल था, उसके चेहरे और गले में कांच डसे हुए थे, काफी मुश्किल से निकल पाए। डॉक्टर साहब वो ठीक तो है ना? घबराने वाली बात नहीं है, वो खतरे से बाहर। ये सच्चे बादशाह, ऐसे ही हमारे बच्चों पर मेहर बनाए रखना। अल्लाह, तुमने सुना कि डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला कि बुलबुल खतरे से बाहर है, इसका मतलब बुलबुल एकदम ठीक हो जाएगी, वो वापस आ जाएगी, मैं उसे देख पाऊंगा, उससे मिल पाऊंगा। अल्लाह मैंने तुम्हें कहा था ना कि बुलबुल को कुछ भी नहीं होगा, तुम खामखा वैसे ही परेशान हो रहे थे। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। हालांकि वो खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। कैसी कॉम्प्लिकेशंस? उसका चेहरा बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। चेहरे के कुछ मसल्स काटने पड़े, और इसलिए बैंडेज हटने के बाद उसका चेहरा नॉर्मल नहीं रहेगा। गले का वोकल कॉर्ड भी थोड़ा कट करना पड़ा, और इसलिए जब तक कॉर्ड जुड़ नहीं जाती वो बोल नहीं पाएगी। हो सकता है शायद उसके बाद भी वो अपनी आवाज हमेशा के लिए खो दे। इतनी देर कहां पर लगा दी तुमने? मैम हम केस किसी भी एड्रेस पे डिलीवर करते हैं, ऐसे सड़क पर नहीं। आपकी लोकेशन ढूंढने में टाइम लग गया। यू नो व्हाट, जस्ट गिव इट टू मी एंड गेट लॉस्ट।
चलिए यू प्लीज कंटिन्यू। केक तुमने मंगाया है, गाने हम गा रहे थे, हाँ चलो शुरू करो। आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि तुम किस रास्ते पे जा रही हो, तो ये पता करने के लिए हमें तुम्हारा पीछा तो करना पड़ेगा ना, किस किस रास्ते की बात कर रही हो तुम। हाँ अरे ये मासूमियत तुम्हारे चेहरे पर सूट नहीं करती है, क्यों ट्राई करती हो? तुम्हें क्या लगता है कि कोई समझ नहीं पाएगा ये क्या हो रहा है, ये केक, ये सेलिब्रेशन? अब बयां कर। अरे कोई मतलब हमने केक भी नहीं खा सकते इस तरह रोड पे? आसमां बर्थडे या क्रिसमस है, हाय का सेलिब्रेशन? अरे कोई बेवकूफ भी बता सकता है कि आसमां इतनी खुश क्यों? वो ना वो जो भी बुलबुल के साथ में हुआ वो कोई हादसा नहीं था, कि प्लान। कोई बुलबुल को मारने की कोशिश कर रहा था। अभी बुलबुल के मरने से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो सकता है, वो तो तन्नू ही बता देगी। वैसे भैया आपने एक बात नोटिस की, झूमर प्रज्ञा के ऊपर गिरने वाला था और बुलबुल प्रज्ञा को बचाने के लिए आगे आ रही थी। इट मींस ये जो सारी प्लानिंग थी कि प्रज्ञा को मारने के लिए। हाँ उसी के लिए था। देखो आलिया भी जब इतना कुछ बता दिया है हमने तो फिर समझकर कर ही लो कि ये सब कुछ तुमने ही किया। देखो क्या है ना कि हम तीनों की एक टीम है, तुम अगर अकेले काम करोगी तो फिर हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि बता दो, वरना ये जो ये टीम की बिगड़ी है ना अब बिगड़ी समझो। Yeah, you're right. वो झूमर मैंने ही गिरवाया था विजय को बोलकर। एंड यस, मैं प्रज्ञा को मरवाना चाहती थी लेकिन वो बुलबुल बीच में आ गई। बट इसमें मेरा फायदा ही हुआ ना, क्या है ना, मैं प्रज्ञा को इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि उसने पूरब और बुलबुल की शादी करवाई। एक तरीके से अगर प्रज्ञा खत्म हो जाती तो बुलबुल अकेली पड़ जाती और फिर पूरब को मैं अपना बना लेती। लेकिन बुलबुल के ऊपर शैंडलियर गिरा तो वो भी अच्छा है, मेरे रास्ते से वो साफ हो गई है, पूरा वैसे भी मेरा हो जाएगा। आलिया तुम ये भूल रही हो कि बुलबुल बच गई है और ये देख के पूरा बहुत खुश है, तो ये सेलिब्रेशन किस बात का? स्वीटहार्ट लगता है तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने वहां पर क्या। डॉक्टर ने कहा कि उसका पेस और उसके वोकल कॉर्ड्स बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं, तो ऐसे कंडीशन में पूरब उससे थोड़ी ना प्यार करेगा। एक दो दिन में उसे रियलाइज हो जाएगा कि यू नो कि वो बुलबुल नहीं है, उसे नफरत करने लगेगा और वापस मुझसे प्यार करने लगेगा। एंड सपोज पूरब ने बुलबुल को वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया तो? आप कब आए? जब तुम सबकी नींद हराम करके खुद आराम से सो रही थी। शराब पी है? तुम्हारे इतने झूठ को बर्दाश्त करने के बाद अब मुझ में सच बोलने की हिम्मत नहीं रही, इसलिए सच बोलने के लिए पीनी पड़ी, इसलिए मैंने शराब पी। देखिए आप इस वक्त होश में नहीं है, हम बाद में बात करते हैं, आप सो जाइए। सुनना पड़ेगा, अगर मैं सच बोलने की हिम्मत लेकर आया हूं तो तुम्हें भी सच सुनने की हिम्मत लानी होगी। मैं तुम्हारी तारीफ ही करूंगा भी दिल से, लेकिन तुम इतनी अनोखी हो ना कि तुम्हारी तारीफ के लिए कोई कोई शब्द ही नहीं मिल रहे। पर कॉन्ग्रेट्स मिस प्रज्ञा अरोरा, एक बार फिर तुमने प्रूफ कर दिया कि तुम राइट हो और मैं रॉन्ग। पर उससे पहले थैंक्स कहना चाहूंगा, थैंक्स मुझे ये यकीन दिलाने के लिए कि इमोशन नाम की कोई चीज नहीं, थैंक्स मुझे ये यकीन दिलाने के लिए कि पैसा ही सब कुछ होता है, ये प्यार व्यार कुछ नहीं। प्लीज रोना बंद करिए आंटी जी, अब तो डॉक्टर ने भी कहा ना कि बुलबुल खतरे से बाहर है, तो आप क्यों रो रही हैं आंटी जी?
हमें तो बुलबुल को सपोर्ट करना है ना। अगर हम उसको सपोर्ट करेंगे वो जल्दी ठीक होगी, और अगर आप इसे रोएंगे तो कैसे बात बनेगी? और आप क्या कहती? आप यही कहती है ना कि बुलबुल आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग बच्ची, किसी सबसे स्ट्रॉन्ग बेटे की माँ ऐसे कमजोर तो नहीं हो सकती ना। आप बैठिए, प्लीज बैठिए। देखिए अपनी बेटी को कि कितनी हिम्मत दिखा के वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही आंटी जी। आपको भी ऐसे हिम्मत दिखानी होगी ताकि जब बुलबुल उठे ना तो आपके चेहरे की हंसी देखे। अभी उसको लगना नहीं चाहिए कि उसका एक्सीडेंट हुआ। चाहता हूँ वो जल्दी से ठीक हो जाए ताकि उठ के ना फिर से वो शरारते करे और हमें तंग करे। अपनी अपनी बकबक से और अपनी सारी बातों से पूरे पूरे घर में अल्लाह मचाए। और तो फिर कैसे अच्छा लगता हूँ? ऐसे मेरा वो मतलब नहीं था। या फिर जब मैं तुम्हारी तरह ये चश्मा पहनूंगा तब? कैम्बो नहीं है। अच्छा हुआ, उसके आने से पहले ही बाहर निकल जाता हूं। रहने दे अभी, उसका सड़ा हुआ फेस सुबह सुबह नहीं दिखे तो अच्छा है, पूरा दिन स्पॉइल होने से बच जाए। सुनिए, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। सुनने सुनाने का हक तुम खो चुकी हो। नहीं, आप आज के बाद कभी मुझसे बात मत कीजिएगा, लेकिन आज मेरी बात सुन लीजिए। अरे मैंने कहा मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी ना। आप मुझसे बात मत कीजिए, मेरी कोई बात मत सुनिए, बस एक बार मुड़कर देख लीजिए। मुड़कर देखूंगा तो कोई जादू हो जाएगा, दोबारा मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। वैसे भी अगर तुम्हारी शक्ल देखूंगा तो मेरा दिन खराब हो जाएगा। वैसे तो मुझसे लड़े बिना रहा नहीं जाता, इनसे आज बिना देखे ही चले गए। क्या चला जाता अगर अगर एक बार पलट कर देख लेते। नमस्ते आंटी जी, ये फ्रूट्स। अरे तुम फ्रूट्स लेकर क्यों आई? बुलबुल तो होश में नहीं है तो फ्रूट्स किसके लिए? पूरब, ये मैं बुलबुल के लिए नहीं, तुम्हारे और आंटी जी के लिए लेकर आई। कल रात से आप दोनों यहीं पर हॉस्पिटल में हो, कुछ खाया नहीं है, इसीलिए आप दोनों के लिए फ्रूट्स लेकर आई। पूरब, आंटी जी को प्लीज फ्रूट्स खिला दो। नहीं, मुझे भूख नहीं है आंटी जी। आंटी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? पूरब, तुम ही आंटी को समझाओ ना। अब अगर आंटी नहीं खाएंगी और वीक हो जाएंगी, और सोचो जब बुलबुल को होश आएगा और वो आंटी को ऐसे वीक देखेगी तो उसे कैसा लगेगा? आप समझदार हैं, आप बड़ी हैं, आप तो अच्छे से जानती हैं कि बुलबुल का आपके और पूरब के अलावा और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो प्लीज अब जिद मत कीजिए और कुछ ना कुछ खा लीजिए, बुलबुल के लिए खा लीजिए। आलिया बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको कुछ तो खाना ही पड़ेगा। आपने कुछ नहीं खा और मैं आपकी ना कोई बात नहीं सुनने वाला। मैं ये फ्रूट्स कट करता हूँ, रुकिए। जी प्लीज खा लीजिए। मुझे माफ कर दे बुलबुल, मेरी इस लड़ाई की कीमत तुझे चुकानी पड़ रही। मुझे मेरा प्यार मिल सके उसके लिए तेरे अपने प्यार पर नजर लग गई और तेरी यह हालत हो गई। प्लीज तू जल्दी से ठीक हो जा, मुझसे अब तेरा यह हाल नहीं देखा जाएगा। हाँ पूरब,
दी आप हॉस्पिटल नहीं आए अभी तक? अभी पहुंच गए और आप पहुंचे नहीं तो? तो मैंने सोचा एक बार आपसे पूछ लूं सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है पूरा। इनके मन में मेरे लिए नफरत बढ़ती जा रही है। ना वो मेरा ये रूप बर्दाश्त कर पा रहे ना मैं उनकी नफरत। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इन्हें अब अपना सारा सच बता दूंगी। थी आप क्या बोल? आप जानते हो ना इसका रिजल्ट क्या हो सकता है और आप? अगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया तो उसका रिजल्ट क्या होगा वो तुम्हें पता है। जो कुछ भी हो रहा है ना सिर्फ इस नाटक की वजह से हो रहा है। मैं अपने इस नाटक की वजह से बुलबुल की जिंदगी के साथ रिस्क नहीं ले सकती। आज इस नाटक की वजह से वो इस हाल में है और मेरी मजबूरी देखो मैं उसे गले तक नहीं लगा सकती। क्या से क्या हो गई मेरी जिंदगी पूरी। मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी फिर देखा जाएगा जो होगा सो होगा। ये उतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। क्या पता बात और बिगड़ जाए। तो अभी कौन सी सबरी हुई है मेरी जिंदगी पूरी। जो भी नतीजा होगा इससे तो बुरा नहीं हो सकता ना। कम से कम मैं किसी की जिंदगी तो खतरे में नहीं डाल रही ना। इन्हें जब सच पता चलेगा शायद मुझ पर गुस्सा होंगे कम से कम मुझसे नफरत करना तो बंद कर देंगे। लेकिन दीप। नहीं पुरु मैंने फैसला कर लिया। अब बात हार जीत की नहीं है सही और गलत की है। और सही यही होगा कि अब उन्हें सच पता चल जाना चाहिए। इससे मैं कुछ भी हो जाए उन्हें सच पता करूंगी। तुम बस मेरा एक काम करो वो जैसे ही हॉस्पिटल से निकले तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है जैसा आपको ठीक लगे। थैंक यू। अनु तुम ठीक तो हो ना? तुम अचानक से बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं गिर गई। लेकिन ऐसे अचानक कैसे तनु? पता नहीं अभी आजकल मुझे बहुत वीकनेस सी फील हो रही है। तुमने डॉक्टर से बात की? तुमने डॉक्टर से बात नहीं की दवाई नहीं खाई होगी। तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रख रही हो तनु और इस घर में कोई तुम्हारा ध्यान नहीं रख रहा। अभी जब तुम ही मेरा ख्याल नहीं रखते तो और कोई कैसे ख्याल रखेगा? तनु ऐसी बात नहीं है मैं तो बस। वो बस क्या अभी मैंने तुम्हें प्रज्ञा से पेपर साइन करवाने के लिए कहा था क्या तुमने साइन करवाया? तुम कैसी बात कर रही हो तनु? तुम जानते हो ना बुलबुल की क्या हालत है। ऐसे वक्त में उन पेपर्स के बारे में सोच भी कैसे सकती है? मेरे कहने का यही मतलब है तुम्हें सबकी परवाह लेकिन मेरी ही परवाह नहीं है तुम्हें। ऐसा नहीं है तनु। ऐसा ही है अभी तुम्हारी लाइफ की प्रायोरिटीज कुछ और है। मैं अपना नाम तुम्हारे साथ जोड़ना चाहती हूँ पर मेरी क्या गलती है अभी? यही ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अभी मैं पूरा दिन यही सोचती रहती हूँ कि मैं तुम्हें कैसे खुश रखूं और तुम्हें मेरी खुशी का जरा सा भी ख्याल नहीं। अभी ये तुम्हारा बच्चा है जिसे मैं पाल रही हूँ क्या तुम्हें अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं है? अभी तुम्हारे लिए मैंने अपनी मॉडलिंग अपना करियर यहाँ तक कि अपनी फैमिली भी छोड़ दी। और भी सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे मैं करूंगी पर तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? अभी देखो देखो क्या हालत हो गई है मेरी। मुझे अपने आप पे दया आ रही है। ये रोबोट तुम एक काम करो तुम बुलबुल के पास वाला रूम ना मेरे लिए बुक कर दो क्योंकि तुम्हें तो मेरी हालत तब दिखेगी ना जब मैं मरने जैसी हो जाऊंगी। और वैसे जीने का क्या फायदा जब तुम ही मेरे साथ नहीं हो। क्या फालतू बात कर रही हो तुम तनु? एक बार बुलबुल को ठीक हो जाने दो फिर देखना उन पेपर से कैसे मैं प्रज्ञा से अपना सब कुछ वापस ले लेता हूँ। ना बंद करो जब उसके पास प्रॉपर्टी और ये पावर नहीं रहेगा तो हो सकता है फिर से वो कोई ड्रामा करे। हो सकता है वो पुरानी प्रज्ञा बन के तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हें अपनी बातों में फंसा ले। तनु उसकी असलियत मेरे सामने आ गई है। वो चाहे कुछ भी बोले कोई भी रूप में है लेकिन मैं उसकी बातों में नहीं आने वाला तनु। ठीक है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे प्रूफ करके बताओ। तुम उस प्रज्ञा को घर से बाहर निकाल दो और सबके सामने हमारी शादी की डेट अनाउंस करो। तनु बस एक बार बुलबुल को ठीक हो जाने दो उसके बाद छोड़ तुम बोलोगी ना ऐसा ही होगा। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।